के मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्ज शीटेड है, भ्रष्टाचार के मामले में चार्ज शीटेड है, वो बेल पर है। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनके बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो सबूत है कि इस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ शिवम। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जो रिश्ता है वो तोड़ लिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले वक्त में तो तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। और यह भी पूछा है कि आपने 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त यह वादा किया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पहले आप वो सुने। आरजेडी से आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए इसे मैं गठबंधन तोड़ूंगा। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्ज शीटेड है, भ्रष्टाचार के मामले में चार्ज शीटेड है, वो बेल पर है। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनके बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में ये चार्ज शीटेड है, ये बेल पर है, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि उस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था, इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, राजद के नेताओं को भी, और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज ये शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था, और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू हो। मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो मैं इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें क्या आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों, ने एक और कर्ज माफ करेंगे तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है,
कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे, और साथ ही साथ आपने कहा, आपने जो उनके आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो वायदा किया था, उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं, वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है, और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था, उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। दो दो बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है, अल्लाह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा, देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है, वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है। बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब करें कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। अरे क्या अपमानित किया आपको, आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। इसलिए मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है, और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है, और यह तक कह दिया है कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त जो आपने वादा किया था, क्या आप उस वादे को पूरा करेंगे या नहीं, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।